गोलकीपर के तौर पर, मगर आज विश्रम देगा है जैसे मशीन जो है बीरसा मुर्मू जिसमें चेहरे पर और श्रीराम मुर्मू जिस गार पर। वही अगर अपने टीम की बात किया जाए तो जब बचते हैं गुलाब और काले बॉर्डर के दर्शक है ये टीम है दुर्गा स्काउटिंग की टीम। काफी कमाल काफी धमाल शंदर जंदर मसाले और धमाकेदार और बजेदार ये मिल चलता हुआ सिविल सिंह खानी भाई इस टीम में भी मौजूद है जो कीपिंग की भूमिका को निभा रहे हैं अजन कैप्टन का जिम्मेदारी लेते हुए मनीष मुर्मू जैसे मुबारक कर रहे गोराय धुमेश जिसमें चौदह पर है सीताराम सिंह जिसमें सात पर दामू मुर्मू जिसमें इलेवन पर है निर्मल दास का जिसमें सत्रह पर है आकाश सोरेन जिसमें सिक्स पर है यश और दर्शक साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा कृपया आतिशबाजी हो रही है तो एक सटीक जगह पर ही आप आतिशबाजी करें क्योंकि भीड़ में तो मेन रोड के साइड में अगर आप आतिशबाजी करेंगे तो आने जाने में जो भी सज्जन आ रहे हैं बाइक में ऑटोमेटिकली उनका ध्यान भटक जाएगा दुर्घटना घट सकती है। मगर आप भीड़ में आतिशबाजी ना करें दुर्घटना घट सकती है। फिलहाल मैदान के अंदर अगर नजर डालेंगे तो अब तक इन दोनों ही टीमों में कमाल के खिलाड़ियों के समावेश जो कि परमेश्वर ने बता ही चुका है। मगर खेल की अगर नजर डालें तो अब तक शून्य शून्य की स्थिति में दोनों ही टीम फिलहाल प्रयास शुरुआती क्षण से ही दोनों ही टीम चाह रहे हैं कि गोल करें क्योंकि होनी भी चाहिए। ये जो मैच है सेमीफाइनल का मैच है यानी कि एक कदम दूर है आप फाइनल से। तो प्राइस की अगर बात करें तो 70 और 50 अगर एक मैच जीत जाएंगे तो लगभग आप 50 या 70 हजार की जो प्राइज की राशि रखी गई है हमारे कमेटी की ओर से उनके नजदीक आप पहुंच सकते हैं। और इसी बीच हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र के जिला परिषद श्रीमान रेणुमय दास जी और उनके साथ डोंगरी पंचायत के मुखिया महोदया अनिता मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस मंच पर जिन्होंने अपना कीमत समय देकर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। मंच पे आके मंचासीन होने की कृपा करेंगे और साथ ही साथ हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा उनके स्वागत पूरी बेहतरीन ढंग से करेंगे। जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके ये जो मैच है कांटे का टक्कर इस मैच में होने वाले करो या मरो की स्थिति पे है। हालांकि प्राइस के हकदार जरूर बने हैं मगर जहां तक 100 फाइबर्स या फिर दुर्गा स्पोर्टिंग की बात करें इस प्राइस से वो संतुष्ट होने वाले टीम में से नहीं है। इनको फाइनल के मुकाबले तक पहुंचने की जरूरत है और इसी तौर पर दोनों ही टीम चाहेंगे कि फाइनल के मुकाबले में पहुंचे। कोशिश बेहतरीन दाहिनी ओर से दो नंबर के खिलाड़ी हालांकि तीन डिफेंडर को बीट करना काफी मुश्किल बिल्कुल दीवारों की तरह 100 फाइबर्स के डिफेंडर और आसानी से गेंद को क्लियर करते हुए 27 नंबर के खिलाड़ी की अगर बात करें आज पूरे टूर्नामेंट पर कमाल की योगदान रहा है इनका इस टीम के लिए। दोनों ही दलों का यहाँ पे इनके इम्पोर्टेंट मैच चलता हुआ काफी बेहतरीन मैच और सन्मान एक मजेदार और एक सुंदर नगद राशि से आप सम्मानित होंगे। अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पर 70 या 50 रुपए पहुंचेंगे। और इसी बीच हमारे बीच जो हमारे इस क्षेत्र के जिला परिषद उपस्थित हुए हैं श्रीमान हिरणमय दास जी उनको माल्यार्पण से स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा धनंजय महतो जी से अपने शुभ हाथों से माल्यार्पण कर इस मंच का शोभा बढ़ाएंगे और इस मैच का शोभा बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित डोमजुड़ी पंचायत के मुखिया महोदया श्रीमती
अनिता मुर्मू जी को मल्लभगंज से स्वागत करेंगे रविंद्रनाथ महतो जी। पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो चलिए इसी बीच एक बार फिर से वो फिनिशिंग शॉट देखने को मिले, कब हमें वो गोल देखने को मिले, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है। सूरज जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंग लाना होगा, यानी कि प्लस टू प्लस करना होगा, तब जाकर यहाँ पे स्कोर में तब्दीले कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे बेहतरीन मशक्कत करते हुए, एडिटेटिव मेहनत करते हुए दोनों दलों के प्लेयर और हमारे हाथीबिंदा पंचायत के मुखिया महोदय श्रीमान कृष्णा मुंडा जी को माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे इस लिटिल बॉयज क्लब के लिटिल मेंबर जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अतिथिगणों का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और इस मंच का शोभा बढ़ाए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा हमारे खिलाड़ीगण भी, हमारे दोनों ही दल इनका मन मोहित करेंगे खेल में। और अभी भी हमारे बीच विशिष्ट समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं बनमाली महतो जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा बीर सिंह महतो जी से, उनको माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। बलवानी महतो जी जो कि विशिष्ट समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं हमारे इस क्षेत्र के, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अतिथिगणों का एक बार पुनः हमारी ओर से, साथ ही साथ लिटिल बॉयज क्लब की ओर से। तो चलिए मैदान के अंदर पुनः नजर डालते हैं। तो जिस गति के साथ दोनों दल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी पर तालमेल में सटीकता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि डिफेंडर अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। दोनों ही दल की अगर बात करें, गेंद कभी इधर तो कभी उधर हो रही है, मगर गोल हमें अभी तक देखने को, हालांकि दोनों ही दल तलाश रहे हैं, मगर वो सटीकता नजर नहीं आ रही है। जिस सटीकता के साथ वो फिनिशिंग शॉट देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल एक बार फिर से जीत कराने के प्रयास करते हुए मौका बनेगा यहाँ पर 100 के लिए। और पुनः 27 नंबर काफी फुर्तीले खिलाड़ी, मैंने पहले ही जिक्र किया था उस खिलाड़ी की। इस 27 नंबर की अगर बात कर जाए तो शिबू है। शिबू एक ऐसा होनर प्लेयर है जो किसी भी वक्त मैच के रूपरेखा रंग को बदल सकते हैं। काफी सारे उनके पास टैलेंट है, स्किल है और एक युवा प्लेयर है, तो युवा प्लेयर हमेशा कुछ अलग सब छोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैच की इंटरवल की हॉस्टल आई है, मैच रेफरी पुनः यानी कि छोर बदलेंगे, और छोर बदलने से खेल में बदलाव नजर आता है।